जनपद संभल की चंदौसी में गुजरात के आनंद जिले से प्रवासी मजदूरों को लेकर बरेली जा रही ट्रेन पहुंची। स्वास्थ्य विभाग ने ट्रेन से पानी लेने उतरे मजदूरों की थर्मल स्क्रीनिंग की। कोरोना वायरस की वजह से देश में लागू लॉकडाउन की वजह से देश के दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए केंद्र सरकार ने स्पेशल श्रमिक ट्रेनें चलाई हैं, जिनके माध्यम से श्रमिकों को उनके जनपदों तक पहुँचाया जा रहा है। आज जनपद संभल की चंदौसी में गुजरात के आनंद जिले से प्रवासी मजदूरों को लेकर बरेली जा रही एक ट्रेन चंदौसी पहुंची, जहां पर उसके क्रू को बदला गया, जिसके बाद ट्रेन आगे बरेली के लिए रवाना हो गई। इस ट्रेन के आने से पहले ही रेलवे और चंदौसी की प्रशासन ने अपनी तैयारी पूर्ण कर ली थी। चंदौसी तहसील के प्रशासन की ओर से उप जिलाधिकारी सिंह, स्वास्थ्य विभाग की ओर से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर संतोष कुमार के नेतृत्व में समस्त स्टाफ मौजूद रहा, तथा जीआरपी के क्षेत्र अधिकारी देवी दयाल के नेतृत्व में चंदौसी जीआरपी भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया। इस अवसर पर स्टेशन अधीक्षक आशीष कुमार शर्मा ने बताया कि गुजरात से बरेली जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन यहां पर रुकी, जिसका सिर्फ क्रू यहां पर बदला गया, जिसके बाद ट्रेन आगे अपने गंतव्य को रवाना हो गई। इस ट्रेन से यात्रा कर रहे श्रमिकों ने बताया कि सरकार इस ट्रेन के माध्यम से हम लोगों को बिना पैसे लिए हमें हमारे घर तक पहुंचा रही है, जिसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। हम आनंद गुजरात से आ रहे हैं। कहां जाएंगे? भदोही जाएंगे। अच्छा, क्या करते थे आप वहां पर? वहां पे फेरी का काम करते थे सर। अच्छा, तो क्या हुआ आप लोग आए वापस? क्या दिक्कत थी वहाँ पर? दिक्कत ये थी, घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, कुछ खाना पीना भी नहीं मिल पा रहा था, एक दाना आज तक मिला नहीं। दो महीने से हम बैठे थे, जो है एक दाना कुछ खाने का कुछ नहीं मिल रहा था सर। हम लोग नाम भी दर्ज करा दिया, कुछ नहीं मिला था। अच्छा, तो अभी बताइए आप लोग जो कितने लोग हैं आपके साथ? हम लोग 4 लोग हैं सर। अच्छा, तो आप लोगों का कुछ रास्ते में कुछ मेडिकल चेकअप वगैरह हुए? हाँ, वहाँ वहीं पर हुआ है, उसके बाद जो है फिर कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, टिकट वगैरह आपने लिया है? टिकट हाँ, वहाँ से फ्री मिला है। फ्री मिला? क्या कहेंगे सरकार के लिए? ठीक ही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये है कि आपके लिए फ्री आने जाने की व्यवस्था की है? वो तो वैसे सही है, वो तो ठीक है, मगर ना पानी का ना खाने का इंतजाम नहीं हुआ है। ये खाने पीने की गाड़ी में कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला। हम गुजरात से आ रहे हैं। कहाँ जाएंगे? जाएंगे जौनपुर। आपका चेकअप हुआ था क्या? हाँ जी, मेडिकल। हाँ, मेडिकल हुआ है। टिकट वगैरह है आप? हाँ, टिकट दी। टिकट तो साइड में। अच्छा, तो टिकट के पैसे दिए थे या फ्री मिला? नहीं, फ्री में दिए थे। फ्री मिला? हाँ। कब चले थे आप लोग? मैं तो कल 6 बजे चला था। हमारे साथ तो 6 जने हैं। वहाँ तो हम लोग वेल्डिंग का काम करते हैं। अब कहाँ जा रहे हैं इस समय? तो हम लोग जाएंगे बरेली, बरेली से फिर जौनपुर जाना है। जौनपुर के रहने वाले हैं जी। खाने पीने की व्यवस्था आप लोगों को मिली? हाँ, वहाँ तो मिला था, बीच में नहीं मिला। बीच में नहीं मिला? बीच में नहीं मिला। सुबह हमारे कंट्रोल ऑफिस से हमें सूचना मिली कि एक गाड़ी गुजरात में आनंद से आ रही है, जो बाया अलीगढ़ होकर बरेली जा रही है, और इसकी सूचना हमें मुरादाबाद सेक्शन कंट्रोल से मिली थी। जैसी हमें इसकी सूचना मिली, हमारा चेकिंग स्टाफ, हमारा इंक्वायरी स्टाफ प्लस ऑपरेटिंग स्टाफ, हमारा स्वास्थ्य विभाग सभी अलर्ट पे हैं। यहाँ पे गाड़ी का क्रू और गार्ड चेंज किए जाएंगे, इंजन सैनिटाइज करा के और आगे बरेली के लिए गाड़ी को चला दिया जाएगा। इसकी हमें ऐसा कोई लिस्ट नहीं मिली है कि चंदौसी में कुछ लोग उतरेंगे। हमारे यहाँ केवल ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, परिचालन की दृष्टि से। नहीं, ऐसा कोई खाने पीने की व्यवस्था श्रमिकों के लिए से रेल प्रशासन की तरफ से नहीं, सिविल प्रशासन ने करी हो तो उसकी जानकारी सिविल प्रशासन पर रहेगी। ये थर्मल स्कैन किया, सभी कैंडिडेट्स नॉर्मल टेम्परेचर पाया गया है, और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जिसको यहाँ पे मतलब रिजर्व रखा जाए या उसकी सैम्पलिंग कराई जाए। ये सब जो श्रमिक हैं वो लोग आगे जाने वाले हैं, और थर्मल स्क्रीनिंग में नॉर्मल पाएगा।